नाजरीन 100 सेकंड का एक और किस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्या आप जानते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकुमरानी में चौधरी शुजात को 45 दिनों के लिए वज़ीर आज़म क्यों बनाया गया? मीर जफरुल्ला जमाली की जगह अगला वज़ीर आज़म किसको बनना था और वो शख्सियत क्यों वज़ीर आज़म ना बन सकी? किस किस ने उनकी मुखालफत की? आइए आपको बताते हैं। 100 सेकंड अदीब ऑनलाइन के साथ इर्तिका जैदी साहब, जो 47 साल सिविल सर्विस से वाबस्ता रहे, अपनी किताब में लिखते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने जफरुल्ला जमाली से इस्तीफ़ा ले लिया था और उनकी जगह वो हुमायूं अख्तर को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी कि ऐन वक्त पर दो अफराद ने हुमायूं अख्तर की मुखालफत की, एक चौधरी शुजात और दूसरे एजाजुल हक। परवेज़ मुशर्रफ के लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल हो गई। वो शायद एजाजुल हक की बात को इतनी अहमियत ना देते, लेकिन चौधरी शुजात की मुखालफत मोल लेना नहीं चाहते थे। उन्हें एक पुराने और घाक किस्म के सियासतदान की ज़रूरत थी। चुनाचा मुशर्रफ को हुमायूं अख्तर को वज़ीर आज़म बनाने का इरादा बदलना पड़ा। ये बिल्कुल अचानक हुआ। मुझे याद है कि हुमायूं अख्तर को भी इस फैसले का बहुत देर से पता चला था। हुआ यूं कि मैं हुमायूं अख्तर की डायरेक्टर के कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ हुमायूं अख्तर की बहैसियत वज़ीर आज़म तकरीब हलफ बरदारी की तारीख के बारे में कयास आराइयाँ हो रही थी। मैंने उनसे मजाक में पूछा, क्या हुमायूं अख्तर की शेरवानी तैयार हो गई है जो कि उन्होंने हलफ बरदारी की तकरीब में पहननी है? उन्होंने हंसकर कहा, जी जैदी साहब, शेरवानी में सिर्फ बटन टाँके जा रहे हैं। ये एक जू मायनी जुमला था जिससे वहाँ मौजूद सब लोग बहुत महजूज हुए। चूँकि अभी वाज़े तौर पर ऐलान नहीं हुआ था कि हुमायूं अख्तर वज़ीर आज़म होंगे, इसलिए उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था कि बस अभी ऐलान होना बाकी है। चंद घंटों के बाद ख़बर मिली कि मुशर्रफ ने चौधरी शुजात और एजाजुल हक के दबाव में आकर फैसला किया है कि हुमायूं अख्तर के बजाय वज़ीर ख़जाना शौकत अज़ीज़ को वज़ीर आज़म बनाया जाए। चूँकि शौकत अज़ीज़ को वज़ीर आज़म बनने के लिए इलेक्शन लड़कर नेशनल असम्बली का मेम्बर बनना ज़रूरी था, जिसके लिए कम अज़ कम 45 दिन दरकार थे, चुनाचा रुकाए फाल चौधरी शुजात के नाम निकला। इर्तिका जैदी साहब की ये दिलचस्प सवाने पढ़ने के लिए अदीब ऑनलाइन की डिजिटल लाइब्रेरी ऐप इंस्टॉल करें। ऐप का लिंक वीडियो की तफसील में मौजूद है। मुंतखब किताबों से अहम वाकयात जानने के लिए अदीब ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और फौरी नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।